हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम में। देखो आज आप लोगों को सबसे पहले एक होना पड़ेगा। ये वीडियो थोड़ी सी आज डिफरेंट होने वाली है, हर बार की तरह नहीं है, ठीक। ये वीडियो और वीडियो से थोड़ा अलग है। देखो पहली बात तो ये है, मेरे को पता है जब इस प्रकार की वीडियोज आते हैं लोग बाग कम देखते हैं, खासकर आईटीआई छात्र, ठीक है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है भाई साहब आईटीआई छात्रों में, ठीक। अभी मामला कुछ ये चल रहा है, आप लोगों ने वीडियोस भी देखी होगी अभिषेक सर की, ठीक है। अभी जितने भी देखो बड़े बड़े टीचर्स हैं, ठीक है, आप लोग देख भी रहे होंगे, तो इन्होंने देखो भाई आईटी वाले मतलब वैकेंसीज के बारे, हालांकि रेलवे को टारगेट करते हैं, वीडियोज वगैरह लाते हैं, रेलवे के रिगार्डिंग ये वीडियोस वगैरह बनाते हैं। साहिल सर के बारे आप सब लोग जानते होंगे, है ना भाई, पॉपुलर मतलब पर्सन है ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या काम करते हैं, रेलवे पर जो भी अपडेट आती है ग्रुप डी के बारे में, एनटीपीसी कोई भी हो, तो ये बात करते हैं उस विषय में, ठीक है। तो अभी इन्होंने हाल फिलहाल में एक वीडियो भी क्रिएट किया था जिसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था कि भैया रेलवे में आईटीआई रहेगा, या फिर काफी दिन से ये सब चीज़ चलती आ रही है, ठीक है। मैंने भी आपको हमेशा यही बोला है कि आईटीआई है रेलवे ग्रुप डी में, क्योंकि नोटिस के अकॉर्डिंग अब तक जितने भी रेलवे ने कंफर्म कर रखा है, जितने भी आप जो अगर वेस्टर्न रेल WR की साइट पर जाकर के देखोगे ना, मैंने इससे पहले वीडियो क्रिएट किया था कि ग्रुप डी से आईटीआई रहेगा या फिर हटेगा, ठीक है। तो अभी भी नोटिस जाकर देख लो भैया, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया आईटीआई रहेगा। जितने भी 2019 के बाद Level 1 की पोस्ट आएंगी ना, ठीक है, ग्रुप डी तो Level 1 बोलते हैं उसमें, तो उसमें जितनी पोस्ट आएंगी उसमें आईटीआई कंपलसरी होगा, यानी कि 10th+ ITI होना जरूरी है छात्र के पास। ये भाई साहब पता है क्या कर रहे हैं, मतलब जैसे अभिषेक सर की आपने वीडियो देखना, अगर नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा उस वीडियोज का, आप जरूर देखना इनकी वीडियोज, है ना। इन्होंने कहा है कि अभी रेलवे का कोई पता नहीं है कि रेलवे मतलब क्या करना चाह रहा है क्या नहीं करना चाह रहा है। अभिषेक सर ने बिल्कुल सही बात बोली है इनको कि भैया यहाँ पर जब रेलवे ने एक बार कन्फर्म कर दिया, ठीक है, रेलवे पिछले 2 साल से नोटिस डाल रखा है रेलवे WR की ऑफिशियल साइट पे जाकर देख लो, 2 साल से वो नोटिस पड़ा है, ठीक है। अगर हटना होता तो वो हटा देते उसको, लेकिन भाई साहब इनको उंगली करने की आदत है, ठीक, कि बार बार की मतलब क्वालिफिकेशन के बारे में, क्वालिफिकेशन जब उन्होंने बोल रखा है कि आईटीआई रहेगा, मतलब बार बार ये फिर वही है, हटवाने वाला काम है आईटीआई को। थोड़ा सा इस विषय में मैं इनको नहीं दोष दूंगा, काफी सारे और भी टीचर्स हैं भाई जो आईटीआई के पक्ष में नहीं है। तो भाई अब इसी चीज को देखते हुए हम लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। देखो वो आप लोगों के हक के लिए ही सब कुछ चल रहा है, मुझे पता है। अगर मैं सिंपल थंबनेल पे लिख देता कि ट्विटर कैंपेन आ जाओ भाई सब ट्वीट करने, मुश्किल से 3 से 4 हजार लोग आते देखने के लिए ओनली बस, क्योंकि मेरे को पता है सबसे बड़ी पता है कमी क्या है हम लोगों के बीच में, ठीक है। एकता नहीं है आईटीआई वालों के भी साथ, मतलब है ना, एकता नहीं है। ये जो जितने भी 10th वाले SSC वाले छात्र हैं ना, ये क्या करते हैं एकदम मतलब एकता बन जाती है। आपने पिछली बार देखा होगा तो जरा 18 वाली वैकेंसी में इन्होंने रेल की पटरियां जला दी थी, है ना, कि आईटी हटवाया था उन्होंने। पहले भी आईटी था ग्रुप डी में, ध्यान रखना, ग्रुप डी में पहले भी आईटीआई ही था, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने रेल की पटरियां जला दी, ट्रेनें बंद करवा दी लड़कों ने, 10th वालों ने, जिन्होंने मतलब 10th, जिनके पास आईटीआई नहीं था, मैं 10th की बात नहीं करूंगा, जिनके पास आईटीआई नहीं था उन लोगों ने, ठीक है। और भाई कहीं ना कहीं उंगली टीचर से लोग ही लगाते हैं जितने भी है, क्योंकि भाई वही कोर्स वाला मामला है। क्योंकि आप ध्यान रखना, यदि आईटीआई रहा ग्रुप डी में, ठीक है ना, अगर आईटीआई कंपलसरी हो गया ना ग्रुप डी में, तो भैया क्या होगा, बच्चा फिर तो आईटीआई वाला जाएगा, क्योंकि आईटीआई वाले इतने बच्चे हैं नहीं भाई, जिन्होंने आईटीआई नहीं कर रखी वो बच्चे बहुत ज्यादा हैं, फिर उनके कोर्स भी मतलब कम हो जाएंगे बिकने, तो वही मामला है कहीं ना कहीं, वो एक किस्म से मार्केटिंग वाला इस मामला चल रहा है और कुछ नहीं है। तो भाई आप लोग के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, देखो ध्यान रखना मेरे भाई, रिक्वेस्ट है आप सभी से, ठीक है। अब क्योंकि ये अंतिम प्रहार मान लो, जैसे कि मैं आपको क्लासेस भी करवाता हूँ आईटीआई एग्जाम से पहले, अंतिम प्रहार हमारी क्लास होती है, महाभारत होती है, तो उसको यही समझ लो मेरे भाई अभी, ठीक है। क्योंकि अभी होना होगा तो बस अभी हो जाएगा, क्योंकि अगर एक बार अगर नोटिस आ गया ना रेलवे डिपार्टमेंट है, और इन्होंने कुछ घपला वपड़ा कर दिया टीचर्स लोगों ने जो आईटीआई के विपक्ष में है, जो आईटीआई को हटवाना चाह रहे हैं, क्योंकि भाई बड़े बड़े टीचर है, पहुंच उनकी भी ऊपर तक है, ध्यान रखना इनको हल्के में मत लेना, पहुंच है इनकी, ठीक है। तो ये कुछ भी मामला उल्टा सीधा कर सकते हैं, जैसे SK झा सर की वीडियो देख लेना, इन्होंने क्या बोल रखा है वीडियो में कि रेलवे से ग्रुप डी मतलब जो है ग्रुप डी में से आईटी हटा दिया, SK झा सर की वीडियो देख लेना, ठीक है। तो भैया ये कहीं ना कहीं जितने भी टीचर्स हैं ना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये मिलकर कुछ ना कुछ करने
हो सकता है इनके दिमाग में क्या चल रहा हो, ठीक है ना। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है मेरे भाई, हाथ जोड़ के विनती है कि भैया 18 तारीख को, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है 18 अक्टूबर को आप सभी को तैयार रहना सुबह 10 बजे। अब कोई आपको रैली वेली में नहीं जाना है, घर बैठे करना है ये काम। देखो हम सरकार तक, रेलवे डिपार्टमेंट तक, हमारे पास सिर्फ एक ही जरिया है पहुंचाने का अपनी आवाज को, वह है ट्विटर, ठीक है। अब मेरे को पता है छात्र बोलेंगे सर जी मैं तो ट्विटर ही नहीं चलाता, मैं तो करने वाला हूं नहीं, तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता है ना। जितने भी छात्र देख रहे हैं भाई, गेम वगैरह भी तो डाउनलोड करते हो, व्हाट्सएप वगैरह चैटिंग करने के लिए, इंस्टाग्राम भी सबके फोन में होगा, तो क्या दिक्कत है अगर आप ट्विटर डाउनलोड कर लोगे तो अपने मोबाइल में, ठीक है। ट्विटर पहले इस प्रकार से था, अब इस प्रकार से एक्स बन चुका है, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है भाई। इसको आप लोगों को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से ही, मेरा कोई एप्लीकेशन नहीं है पर्सनल, कभी सोचो कि सर जी तो अपने एप्लीकेशन का प्रमोशन कर रही है, ट्विटर है भाई, ध्यान रखना। इस पर क्या होगा, हम ट्विटर कैंपेन करने वाले 18 तारीख को सुबह 10 बजे। ये कोई मेरा पर्सनली मामला नहीं है, हम आप लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं मेरे भाई, ताकि आपको रेलवे ग्रुप डी में मौका मिल सके, ठीक है ना। मैं पहले ही आपको इस चीज को अवेयर कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना, हमारा जो हैशटैग रहेगा सिंपल है। अब आप हो गए सर जी मेरे पास तो ट्विटर चलाना ही नहीं आता, तो मेरे भाई यूट्यूब सबके पास है फोन में, यूट्यूब में सर्च करो ट्विटर कैसे चलाएं या ट्विटर पर अकाउंट कैसे बनाएं। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है ना ट्विटर को लेकर के, यूट्यूब में सर्च कर लो, हजारों वीडियो आ जाएंगी, ठीक है ना। यूट्यूब में सर्च करना कि ट्विटर कैसे चलाएं, ट्वीट कैसे करें, हजारों वीडियो आ जाएंगी। मुश्किल 10-15 मिनट का काम है ये करने का, ठीक है ना। 18 तारीख को मुझे नहीं पता, चाहे आप कहीं काम पर जा रहे हो छुट्टी रखो, ये तुम्हारे हक की लड़ाई है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, छुट्टी रखो, कुछ भी करो, 18 तारीख को फ्री चाह रहे हो 10 बजे सुबह का टाइम, अपने मोबाइल में ही सिर्फ नहीं, अपने आसपास मम्मी पापा का मोबाइल, भाई बहन का होगा, उसमें भी ट्विटर डाउनलोड कर लेना, उससे भी आपको ट्वीट करना है कितने बजे, 18 अक्टूबर सुबह 8 बजे आपको ट्विटर कैंपेन में भाग लेना है। हमारा हैशटैग रहेगा मैंडेटरी ITI इन ग्रुप डी, है ना, ये हमारे पास हमारा हैशटैग रहने वाला है। इस हैशटैग को ध्यान से रखना, M बड़ा है, उसके बाद फिर डैश है, फिर ITI है कैपिटल में, फिर डॉट है, डैश है, उसके बाद फिर इन है छोटे अक्षर में, फिर G बड़ा है, इस प्रकार से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ये हमारा हैशटैग रहेगा। उसके बाद वैसे तो मैं 10 तारीख में 18 तारीख में सुबह के टाइम कम्युनिटी पर भी डाल दूंगा, या फिर आप मेरे अकाउंट पे जा करके, या फिर अभिषेक सर के अकाउंट पे जा करके आप क्या कर सकते हो, ट्वीट कर सकते हो जा करके, ठीक है ना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, ऐसी बात है तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हम आप लोगों के लिए भाई साहब ये सब चीज़ें कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा कुछ किसी का पर्सनल चीज़ नहीं है, बस ये है कि आप लोगों का हक, आपका हक मिल जाए मेरे भाई, ठीक है ना। क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी कोई हाई लेवल की वैकेंसी, मतलब पोस्ट नहीं है, ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी होती है। देखो साफ है बात भाई, पटरियों पे काम करना पड़ता है, धूप में काम करना पड़ता है, इस पे कोई BSc BEd वाला छात्र नहीं कामयाब होगा, इसमें सिर्फ ITI वाला छात्र ही ठहर सकता है इस वैकेंसीज में, ठीक है ना। तो आप सभी से अनुरोध है मेरे भाई, ये चीज़ ध्यान रखो, अगर आप लोग ITI के प्रति सीरियस हो तो। अब आपको कहोगे सर जी मैं तो ITI कर रहा हूँ, मैं भी करूँगा, बिल्कुल भाई। यदि आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है ना, या भविष्य में ITI करना चाह रहे हो या फिर कर चुके हो, सभी, मैं सभी छात्रों को बोलना चाहूंगा, चाहे आप फर्स्ट ईयर के छात्र हो चाहे आप सेकंड ईयर के, सभी अगर कुछ मानते हो तो मुझे, ठीक है भाई, तो सभी को बोल रहा हूँ ट्वीट करना है, ठीक है ना, ट्वीट करना है। अगर ट्वीट नहीं करना आता कैसे करें, तो भैया यूट्यूब मोबाइल उठाओ, मोबाइल में सर्च करना कि ट्वीट कैसे करें, ट्विटर कैसे चलाएं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आप लोग के हक्की से ट्रेंडिंग में लाना है। देखो अधिक से अधिक जितने ज्यादा ट्वीट होंगे, सरकार की आंखें खुलें कि हाँ भाई कम से कम ITI वाले छात्र जिंदा तो हैं, सुन है भी है नहीं। क्योंकि अगर एक बात बताओ, ये टेंथ जिनकी जिनके पास ITI नहीं है, ये क्या काम करते हैं, ये कुछ ना कुछ घबड़ा करते हैं, मतलब क्या आते हैं सामने, आंखों के सामने जाते हैं सरकार की, हाँ भैया। और ITI वाले क्या करते, शांत बैठे रहते हैं, सरकार सोचती है कि भाई ITI वालों को तो पता ही नहीं कुछ कहाँ है कहाँ नहीं, तो एक काम करो टेंथ ही ले लो फिर भाई। जब ITI वाले सामने नहीं आएंगे, अपने हक के लिए ही नहीं बोलेंगे, तो सामने वाला फिर क्या कर लेगा, ठीक है, कुछ करो तो सही। अब उनकी आंखें खुलेंगी कि हाँ भाई ITI वाले बोल तो रहे हैं, कम से कम ITI वाले है तो छात्र, इतने सारे छात्र हैं यार, है ना। वरना उनके दिमाग में ये भी तो चल रहा है कि भर्ती, उनके दिमाग में ये भी, एक मेरे सामने कुछ बात आई थी कि रेलवे बोर्ड सोच रहा है कि यदि हमने लेवल 1 की पोस्ट में ITI को अनिवार्य कर दिया, लेकिन फिर उतने छात्र नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ITI वाले छात्र कम है, मुझे तो लगता है ITI वाले छात्र कम है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ सामने आओ मेरे भाई, ठीक है, सामने आओ, अपना ट्विटर कैंपेन में भाग लो, ठीक है ना।
घर बैठे कोई हम धरना प्रदर्शन कहीं और जाकर नहीं कर रहे, घर पे ही कर रहे हैं। ठीक है, छुट्टी रखो, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। 18 तारीख में सुबह 10 बजे ट्विटर दबना चाहिए आपका, ठीक है मेरे भाई। तो ये तो बात होगी भैया मामले की। बाकी आप अगर तैयारी करना चाह रहे हैं आईटी एग्जाम की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आईटी एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन पर। कोई जबरदस्ती नहीं है, कभी सोचोगे तो अपना प्रमोशन कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ जितने छात्र करना चाहते हैं, तो आईटी एग्जाम पर मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दिए मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये मैंने अपडेट भी करवा लिया, धीरे धीरे और चीज़ें इसमें ऐड हो रही हैं। तो आप इस पर आकर के भाई अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। जितने भी छात्र हैं अलग अलग ट्रेड दे रखे हैं, आप एक बार डाउनलोड कर लेना आईटी एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन। और ट्विटर का जो लिंक है मैं मोबाइल एप्लीकेशन पर भी डलवा दूंगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। आईटी एग्जाम मोबाइल ऐप सेक्शन में जो वाला देख रहे हैं ना, इसमें जॉब अलर्ट का मैंने एक ऑप्शन डाल रखा है, इसी में ट्विटर का लिंक भी मैं डलवा दूंगा, वहां से आप ट्वीट कर सकते हो, ठीक है ना मेरे भाई। इसी में डलवा दूंगा, तो आप एक काम करना, आप इसको डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन को, और यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन भी आपको दे दूंगा जब ट्विटर कैंपेन शुरू हो जाएगा, तो एप्लीकेशन पे मैं आपको सूचना भी दे दूंगा। तो डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से आईटी एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन। और जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, चाहे फर्स्ट ईयर के छात्र चाहे सेकंड ईयर के, तो आप आ सकते हो क्लासेस में। तो इसी के साथ आज की वीडियो का मेरा मोटिव यही था, आप लोग अवेयर करना। इसी के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो, धन्यवाद मेरे भाई।